हमारा आरुषि। सर 89। लेक्चर 18 ट्रिग्नोमेट्री। आज हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे। क्या क्या फॉर्मूले रह गए हैं वो चीज एक बारी ढंग से सुनेंगे, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला है कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है वो चीज एक बार समझेंगे। ये ए है, ये बी है और ये सी है ट्राइंगल। ए के अपोजिट साइड क्या मानते हैं? ए लेंथ होती है। बी के अपोजिट साइड जो होती है उसकी लेंथ बी होती है, और सी के अपोजिट साइड जो लेंथ होती है वो सी होती है, ठीक है। ए बी और सी। तो अगर हमारा कॉस एंगल ए निकालना है, लेट सपोज कॉस एंगल ए, कॉस ए का हमारे पास फॉर्मूला होता है जो इसके साथ कौन कौन सी साइड है, बी और सी। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी, ये फॉर्मूला होता है। ऐसी अगर हमें कॉस बी निकालना है तो ये वाला एंगल है, दोनों को कौन सी चीज कंटेन कर रहा है, ये ए और सी। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए। ऐसी हमारा कॉस सी होता है, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए। ये तीन फॉर्मूले होते हैं कोसाइन फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी और कॉस सी के। कोई डाउट है बच्चे इसमें से किसी को? नो सर। चलो आरुषि तुम बोलोगे। यस सर। चलो आरुषि मैं कुछ क्वेश्चन, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे क्वेश्चन आता है हमारा, सपोज कर लो मेरे को प्रूफ करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है बी इंटू सी कॉस ए माइनस ए कॉस सी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्रूफ करना। क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ जी सर। चलो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो चीज देख लेते हैं एक बारी है। ये बताओ मेरे को कि कॉस, ये हो गया बी सी कॉस ए माइनस ए बी कॉस सी, यही हुआ ना। हाँ जी सर। कॉस ए का क्या फॉर्मूला होता है जल्दी बता दें। बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू बी सी। टू बी सी, और बी ए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी, यही होता है ना फॉर्मूला। हाँ जी सर। बी सी यहां से कट गया, ए बी यहां से कट गया, हाँ एलसीएम में सर। टू आ गया। हाँ जी सर। टू आएगा एलसीएम। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैं प्लस सी प्लस स्क्वायर। प्लस ये 2c² हो गया यस सर। और माइनस 2a² हो गया माइनस डिवाइड टू बाय ए टू, स्क्वायर। आंसर आ गया c² माइनस ए स्क्वायर। माइनस ए बच्चे बात स्क्वायर। क्लियर है? हाँ जी सर। क्लियर है। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है। अब जैसे सर दूसरा, हाँ बोलो। सर ये पहला पेज है, इसके पहले भी आपने कुछ लिखवाया था? नहीं बच्चे ये पहला, इससे पहले लिखवाया है मैंने। अच्छा सर, एक बार वाला जैसे पेज दिखा दो। अभी अभी जॉइन ये, ज्वाइन हो पाया, अकाउंट नहीं बना। अच्छा चलो देख लो एक बार। ओके सर। कोई डाउट तो नहीं है? सर नो ग्रुप में सर। मैसेज आ रहे हैं कि बहुत लोगों के ज्वाइन नहीं हो पा रहे। बच्चों मैंने डाल दिया है, ठीक है बच्चे मैंने डाल दिया, उसमें मैसेज डाल दिया है, जो जो लॉग इन करेगा जीमेल अकाउंट से लॉग इन प्रॉपर करेगा वही ज्वाइन कर पाएगा, दूसरे ज्वाइन नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो अब दूसरा देखते हैं, आज ज्यादा नहीं पढ़ाना मगर तब भी जो लॉग इन प्रॉपर होना चाहिए। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन बोलेगा? लिपिका है। यस सर। लिपिका क्वेश्चन आता है सी माइनस बी कॉस ए
ओवर बी माइनस नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं सॉरी लिपिका खाली फॉर्मूला लगाना बस ठीक है अब जो बताना है अगर मेरा क्वेश्चन आता है लेट सपोज हमारा क्वेश्चन है प्रूफ करना है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस फोर बी सी कॉस स्क्वायर ए बाय टू कोई डाउट है फोर बी सी नो सर फोर बी सी इंटू कॉस स्क्वायर ए बाय टू सही है यस सर आप देखो मेरे को ये प्रूफ करना है सर ए बाय टू के बाद में क्या लिखा है इंटू सी भी है बच्चे सी फोर बी सी था मेरा बी यहाँ नहीं लिखा था ठीक है मैं राइट साइड ले रहा हूँ फोर बी सी कॉस स्क्वायर ए बाय टू को लिखता हूँ वन प्लस कॉस ए होल डिवाइड बाय टू एनी डाउट नो सर अब ये क्या आएगा जल्दी बताओ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी यस और नो यस सर और यहाँ पे आएगा टू बी सी इंटू वन प्लस कॉस ए सही है यस सर अब ये कितना आया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस टू बी सी माइनस टू बी सी माइनस टू बी सी बी सी कॉस ए कोई डाउट है नो सर टू बी सी से वो कट जाएगा अब कॉस ए का फॉर्मूला क्या आएगा सर ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू बी सी माइनस ए स्क्वायर बाय टू टू बी सी टू बी सी कट गया यस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया प्रूफ ए स्क्वायर के बराबर यस सर कोई डाउट है नो सर अच्छा अब मेरे को एक क्वेश्चन आता है नेक्स्ट बोलेगा कौन बोलेगा ध्रुव बोलेगा यस सर अगर क्वेश्चन आता है बी प्लस सी बाय ट्वेल्व सी प्लस ए बाय थर्टीन इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय फिफ्टीन दे रखा ठीक है मेरे को प्रूव करना है कॉस ए डिवाइड बाय टू कॉस बी डिवाइड बाय सेवन इज इक्वल टू कॉस सी डिवाइड बाय इलेवन कोई डाउट है नहीं सर क्लियर है अच्छा अब देखो कॉस ए कॉस बी कॉस सी की वैल्यू निकालनी है ना हाँ जी अब देखो इसको कैसे हम लेके आएंगे वैल्यू को इसको एक बड़ी ढंग से समझ ओके देखो बच्चे या बी इसको लैम्डा के बराबर मान देता हूँ ठीक है ठीक है सर तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई 12 लैम्डा और सी प्लस ए की वैल्यू कितनी हो गई 13 लैम्डा और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई 15 लैम्डा सही है अब अगर ये तीनों इक्वेशंस को इसको 1 मार्क कर देता हूं इसको 2 मार्क कर देता हूं इसको 3 मार्क कर देता हूं मेरे को एबीसी निकालना है 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आएगा जल्दी बता दें सर ये बन जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 12 लैम्डा प्लस 13 लैम्डा प्लस 15 लैम्डा कितना हो गया 40 लैम्डा हो गया 40 लैम्डा यस सर a प्लस b प्लस c कितना आ गया 20 लैम्डा ये फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं अच्छा फोर्थ माइनस अगर फर्स्ट कर दें तो क्या आएगा सर a आ जाएगा 8 लैम्डा चलो वेरी गुड फोर्थ माइनस सेकंड कर देंगे तो क्या आएगा सर b आ जाएगा 7 लैम्डा और ऐसी फोर्थ माइनस थर्ड कर दिया जाएगा 5 लैम्डा c 5 लैम्डा c 5 लैम्डा इसमें कोई डाउट है तो नहीं सर क्लियर है अब मेरे को cos a अगर निकालना है cos a का क्या फार्मूला होता है तो जल्दी b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc 2bc अब जल्दी बता दे b की वैल्यू b की वैल्यू 7 लैम्डा c की वैल्यू 5 लैम्डा a की वैल्यू 8 लैम्डा अपॉन में 2 into 7 lambda into 5 lambda. 2 into 7 lambda into 5 lambda. 5 lambda, yes sir. 7 lambda lambda कट जाएगा ना पूरा? Yes sir, lambda कट जाएगा. 49 plus 20, sorry. 49 plus 25 minus 64 upon 27 तो 14, 14 हो जाएगा 70. कितना yes. आया जल्दी बता दे? Sir, यहाँ आ जाएगा 49, 64. 74 10 by 1 by 7 आ गया हां हां सर ऊपर 70 ठीक है 1 by 7 cos b कितना होगा सर cos b आ जाएगा a square plus c square minus b square upon में 2ac
ए और सी की वैल्यू जल्दी जल्दी बोलता जा, डालता जा। ए है 8 लैम्डा, सी है 5 लैम्डा और बी है 7 लैम्डा अपॉन में 2 इंटू 8 लैम्डा इंटू 5 लैम्डा। जल्दी से बोल दे इसको सॉल्व करके आंसर कितना आएगा। सर आ जाएगा 989 माइनस 49, सर ये 40 आ जाएगा, 40 अपॉन में 80, 1/2 आ जाएगा, 1/2। चलो ये आ गया। ऐसी cos c बता दे यार जल्दी से, cos c क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन में 2ab। जल्दी बोल। a a 8 लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा होल स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आया? 49 लैम्डा स्क्वायर माइनस 25 लैम्डा स्क्वायर, 25 लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 2 इनटू 8 लैम्डा इनटू 7 लैम्डा मतलब 49 लैम्डा स्क्वायर। तो ये कितना आया? cos c की वैल्यू कितनी आ गई? cos c की वैल्यू आ गई सर 4 2 24। सर ये 84 अपॉन में 16 7 56 सर 1 116, 84 अपॉन में 116। चलो जो भी आ गई ये वैल्यू आ गई। यस सर। अब cos 8 होना चाहिए। कितना? 88। चलो वो देख लो बच्चे, 88 को कटेगा कि नहीं? 422 था और नीचे क्या आएगा? 4 2 8 4 9 36, यही होगा ना? 22/29। अच्छा अगर रेशियो देखा जाए कॉस ए कितना है? 1/7। कॉस बी 1/2। कितना है? 1/22/29। यस सर। ये पक्का सही है ना? यस। मुझे कहीं डाउट है 22/29 में 4 4 था, एक मिनट, 2 8 था, 16 16 से बनता कितना होता है? मेरे साथ से गलत है ना? यस सर। कितना आएगा सर ये? आ जाएगा 1 1 2। हाँ 1 1 2। तो 1 1 2 से अगर काटेंगे 4 22 था और नीचे क्या आएगा? 4 3 था, 4 2 था और 4 8 2 8। अब अगर 28 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा ना? 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आएगा और ये 14 is to 22। 2 से तब भी डिवाइड हो रहा है, 2 is to, यस सर, 2 is to 7 is to 11। हो गया प्रूफ? यस सर हो गया। कोई डाउट है? नहीं सर क्लियर है। रिदम कोई डाउट है बच्चे? नो सर। चलो अब रिदम एक क्वेश्चन आप बोलोगे। यस सर। रिदम क्वेश्चन आता है एंगल बी की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है। एंगल बी की वैल्यू क्या दे रखी है? 60 डिग्री। और प्रूफ करना है हमारे को ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3ac। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर। अच्छा अब ये बता मेरे को, cos 60 है ना, अगर एंगल बी पता है तो cos 60 कितना हो गया? यही हो गया ना? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 2 ac। ठीक है, cos 60 कितना सर? 1/2। ये हो गया 2a² प्लस 2c² माइनस 2b² इज इक्वल टू 2ac। 2 2 कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ac। कोई डाउट है सर? एसी हो जाएगा ना, वो 2 कैंसिल होगा। एसी होएगा ना सर, 2 तो कैंसिल होगा। सॉरी सॉरी, एसी होगा। ये सही है? यस सर। अच्छा मैं दोनों साइड है ना, यहाँ पे राइट साइड क्या चाहिए? 3ac। तो मैं दोनों साइड 2ac और ऐड करता हूँ, 3ac बन गया ये। यस। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर। कोई डाउट है? No sir. What is this? Sir, a plus c whole square minus b square is equals to 3ac. अब ये इसका फॉर्मूला ये हो सकता है ना, a plus c minus b into a plus c plus b. Yes sir. हो गया bro? Yes sir. कोई doubt है? No sir. समझ आ गई बात? Yes sir. चलो अब next कौन बोलेगा बच्चे? नेक्स्ट बोलेगा दिव्यंत। बोलेगा? यस सर। दिव्यंत थोड़ी आवाज धीरे आ रही है बच्चे। सर अब आ रही है?
नहीं बच्चे धीरे आ रही है, चलो आसना बोलेगी। आसना चलो आसना की आवाज नहीं आ रही। अच्छा अपनी मर्जी से कौन बोलेगा, सन्यम है चलो। हाँ माधव बोल दे, माधव। शरद 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 बच्चे कुछ बोलना है? शरद चलो माधव तुम बोलो। यस सर। चलो मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है cos c is equal to cos c is equal to sin a upon 2 sin b दे रखा है, then prove that triangle is isosceles। ठीक है? यस। ठीक है अब जल्दी से एक बार देखते हैं, prove that the triangle is isosceles। सही है? अच्छा इसको मैं ऐसे लिखता हूँ बच्चे, ये बता cos c को क्या फॉर्मूला क्या होता है? a square plus b square minus c square upon 2ab upon 2ab, और sin a को मैंने 2r से मल्टीप्लाई कर दिया, 2r से डिवाइड कर दिया। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा अब 2r sin a किसके बराबर होता है? 2r sin a a हो जाता है, स्मॉल a, और ये b 2b हो जाएगा, 2b 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 ये दोनों कट गए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, बात समझ आ गई? यस सर। तो a स्क्वायर a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, बात समझ आ गई? b की वैल्यू c हो गई, दैट मींस द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। बच्चे शरद कोई डाउट है? आपने जो हैंड रेज कर रखे हैं सर, उसका माइक ऑन है, वो शायद से कुछ कहना चाह रहा पर उसकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे आपका माइक ऑन है, आप वो लिख के लिख दो, नहीं तो चैट पे लिख दो अगर कोई प्रॉब्लम है तो। अच्छा नाम क्या है बच्चे आपका? शरफ। शरफ कौन है ये? चलो कोई बात नहीं बच्चे, इतना समझ आ गया। शरद बच्चे अपना माइक ऑफ कर दो। माइक ऑफ कर दो बच्चे। ठीक है अच्छा इतनी चीज समझ आ गई। आ जाना खाली कुछ क्वेश्चंस करने जो इंपॉर्टेंट है वो एक बार सुनते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो मैं बोल रहा हूँ वही करने अभी हैं, और कोई क्वेश्चन मत करना। क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज जो दे रखी है थर्ड क्वेश्चन, एक थर्ड क्वेश्चन करना है, थ्री, फिर आपका है फोर भी करना है, थ्री फोर, थ्री से लेके थ्री टू एट करने हैं। ठीक है उसके बाद टेंथ हो जाएगा आपसे, टेंथ से लेके 15 तक करने, और उसके बाद एक करना है क्या होता है 15th और 16th भी करना। बच्चे थर्ड से 8 तक होमवर्क है और 10th से लेके
16 तक होमवर्क है। कोई डाउट है होमवर्क में? ये हिमांग बच्चे कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, इतना काम कर लेगा? यस सर। बच्चे ध्यान रखेंगे, कल से जो भी एंटर करेगा प्रॉपर अपनी जीमेल आईडी रखना, उसी से एंटर कर पाओगे, नहीं तो एंटर नहीं कर पाओगे। ठीक है, सारे बच्चों को बोलूं, कमलेश फोगाट नाम से कौन एंटर कर गया था बच्चे? सर मैं वैभव। अच्छा ठीक है बच्चे, चलो सही है, अब ये कर लेना है। और मैंने एक्सरसाइज की पिक शेयर कर दी है ग्रुप पे, ठीक है, वो उससे कर लेना, आरुषि ने शेयर की थी उससे देख के करना, ठीक है। चलो थैंक यू बच्चे।